नमस्कार, मैं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। जगत गुरु उदासीन आचार्य श्री श्री 1008 श्री चंद्रदेव जी महाराज का 530वां पावन जयंती महोत्सव पर भव्य भंडारा। वाराणसी रविंद्रपुरी मार्ग स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन मठ में जगत गुरु उदासीन आचार्य श्री श्री 1008 श्री चंद्रदेव जी महाराज का 530वां पावन जयंती महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह भव्य भंडारा के साथ सम्पन्न हुआ। उक्त मौके पर महंत लक्ष्मण दास महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन वाराणसी के तत्वाधान में जगत गुरु उदासीन आचार्य श्री 1008 श्री चंद्रदेव जी महाराज का 530वां पावन जयंती महोत्सव 10 सितंबर 2024 से 12 सितंबर 2024 तक 3 दिवसीय महोत्सव मनाया गया, जिसमें वैदिक परंपरा के अनुसार विश्व शांति व जन कल्याण के लिए विशेष पूजन ध्यान और वैदिक परंपराओं का निर्वाहन अरदास पूजन किया गया, जिसकी शुरुआत 10 तारीख मंगलवार श्री रामचरितमानस अखंड पाठ से प्रारंभ होकर 12 सितंबर आचार्य पूजन एवं आज इस भव्य भंडारा से संपन्न हुआ। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24x7, वाराणसी। भाई कहाँ से हो? सासनी। कहाँ? अगर आप लोग जाएंगे तो आज भी वो संत के रूप में उसी रूप में संतों को दर्शन देते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य परंपरा आगे नहीं बढ़ी। दूसरे अखाड़ों में आप जाते हैं तो वहाँ सब आचार्य मंडलेश्वर होते हैं, हमारे यहाँ ये लास्ट आचार्य है। क्यों? क्योंकि इनका प्रमाण नहीं है कि इनका शरीर पूरा हुआ किसी के पास। आज भी ये जो बकरी चराने वाले हैं, भेड़ चराने वाले हैं, जंगलों में तपस्या करने वाले संत लोग हैं, उनको आज भी उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो ये बहुत चेतन मूर्ति है, तो इसलिए इसके आप लोग बस इसी के भगत है, हमारे नहीं। इसको आपने मान लिया मतलब सबको मान लिया, ये सबकी पूर्ति कर देता। इस तरह का भंडारा का आयोजन किया गया है। आज हमारे आचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी की 530वीं जयंती महोत्सव के उपलक्ष में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन रविंद्रपुरी कॉलोनी में त्रिदिवसीय कार्यक्रम बड़े धूमधाम से आज समापन की ओर है। प्रथम दिवस में अखंड रामायण का संगीतमय पाठ, द्वितीय दिवस अखंड रामायण का भोग, तत्पश्चात भजन संध्या। आज सुबह हमारे आचार्य श्री श्री चंद्रदेव जी का महाभिषेक, तत्पश्चात महाआरती, उसके पश्चात अरदास एवं हमारे काशी के समस्त जितने भी अखाड़े एवं मठ मंदिर हैं उन सभी से हमारे पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में सभी संत लोग पधारे हैं, जिसका संतों का भंडारे का आयोजन किया गया है। और हमारे 13 अखाड़े और जितने भी यहाँ काशी में हमारे मठ मंदिर हैं उन सभी के प्रतिनिधि लोग भी आए हुए हैं। और हमारी श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में अभी से लेकर के रात 10 बजे तक जो भी हमारे इस संस्था से जुड़े हुए सेवक भक्त हैं वो लोगों के लिए रात 10 बजे तक इस भंडारे का आयोजन चलता रहेगा अनवरत। जो भी इस आचार्य हमारे श्री श्री चंद्रदेव जी को मानने वाले भक्त लोग हैं वो लोग आए और अपनी अपनी हाजिरी लगाएं, भगवान श्री चंद जी उनका जीवन मंगलमय करें, कल्याण करें। मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूं। महाराज जी, इस समय राजनीति में कुछ लोग सनातन धर्म और अब आज ये समय तो नहीं था कुछ बोलने का, आज तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पर इतना जरूर कहूँगा
कि धर्म व्यापार नहीं है, धर्म एक आस्था का विषय। यदि हम इस प्रकार से धर्म को व्यापार मानेंगे और यह व्यापार बनाने का प्रयास करेंगे तो हम खुद ही सक्सेस नहीं होंगे, हम खुद उससे दूर हो जाएंगे। ये जो हमारा सनातन धर्म है ना, ये चिरंजीवी है, ना तो इसका नाश हुआ है, ना नाश होगा, ना कोई इसका नाश कर सकता, ये अनवरत चलता रहेगा। कुछ लोग हैं आडंबर फैलाते हैं, पर हमारे, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं वो लोग इतना जरूर ध्यान दें कि कौन संत है कौन असंत है, इस चीज का विचार जरूर करें, फिर उनके पास जाएं। इतना हमारा हमारे सनातन धर्मियों से प्रार्थना है, और आगे कभी इस विषय में चर्चा करेंगे तो फिर खुल के बात किया जाएगा।